एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, समर सीजन आ चुके हैं एंड समर सीजन के लिए ही मैंने कुछ समर ड्रेसेस परचेस की है, जो कि मैक्सी ड्रेस है एंड कुछ कुर्ती ड्रेस है जो मैंने मिंत्रा से परचेस किए हैं। एंड ये जो ड्रेसेस हैं मुझे बहुत अच्छे लगे हैं एंड आपको भी समर में आई थिंक कुर्तीज उर्तीज पहनना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, मुझे तो नहीं है कुर्तीज पहनना या फिर जो ऐसे टाइट कपड़े होते हैं पहनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समर में मैं मैक्सिमम टाइम मैक्सी ड्रेस ही पहनती हूँ या फिर कुर्ती ड्रेस पहनती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं एंड इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। सो इसीलिए मैंने कुछ मैक्सी ड्रेसेस परचेस किए हैं मिंत्रा से। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड अगर आपको इनमें से कोई भी कुर्ती परचेस करनी हो तो मैं प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड आपको मेरे कलेक्शन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को मेक श्योर कि आप लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ही आने वाले वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट मेरे मैक्सी ड्रेस की तरफ। सो गाइस, ये है मेरा फर्स्ट ड्रेस। सो गाइस, ये है मेरा फर्स्ट मैक्सी ड्रेस, आप देख सकते हो। एंड ये जो है वारंग ब्रांड से है, एकदम फ्लावर, इसमें पूरा फ्लावर प्रिंट दिया गया है, जो अभी जो समर सीजन में है थोड़ा फ्लावर टाइप के ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एकदम प्लेन प्लेन मुझे पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इस टाइप के फ्लावर ड्रेस जो है बहुत अच्छे लगते हैं। एंड ये जो है वारंग ब्रांड से है, जिसे मैंने एस साइज में परचेस किया है। इसका एक्चुअल प्राइस नहीं दिया है बट मैंने इसे 500 to 600 कुछ में परचेस किया है, मुझे प्राइस एक्चुअली याद नहीं है, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी कि हम मुझे किस प्राइस में मिला है। एंड इस तरह से इसमें हमें कुछ वी शेप का नेक डिज़ाइन मिलता है एंड यहाँ पे चेस्ट में इस तरह से यहाँ पे बटन्स दी गई हुई हैं, आपको शायद शो हो रही हो कैमरे में। एंड बैक साइड में इसमें इस तरह से एक और बटन मिलता है, यह ओपनेबल बटन है, आई मीन ओपन होता है एंड क्लोज भी होता है, यह डिज़ाइन पर्पस से नहीं है। एंड जो ये फ्रंट वाले जो बटन हैं ये डिज़ाइन पर्पस से ही है, ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं। एंड इसमें भी हमें 3-4 स्लीव्स दी गई है, स्लीव्स में कुछ इस तरह का चुन्नट टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है, आप देख सकते हो इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। बाकी जो ड्रेस है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसका जो मटेरियल है कॉटन है एंड समर सीज़न के लिए जो कॉटन का जो कॉटन मटेरियल जो है बहुत बेस्ट होता है, इसीलिए मैंने मैक्सिमम कपड़े कॉटन में ही परचेस किए हैं। एंड हेम साइज में यह इस तरह से फ्लेयर्ड है, आप देख सकते हो हेम साइड में यह पूरा फ्लेयर्ड है जो कि बहुत अच्छा लगता है। एंड इसमें पॉकेट्स नहीं दिए गए हैं। सो इस तरह का यह एक फ्लावर ड्रेस है, मैक्सी ड्रेस है जिसमें कि फ्लावर प्रिंट बनाया हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इसे मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ कि वियर करने पर यह कैसा लगता है। एंड अगर आपको यह पसंद आया तो मैं प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा कि अभी यह किस प्राइस में मिल रहा है। अगर यह इसका प्राइस अगर हाई भी हो जाता है तो कुछ दिनों में, मतलब आई मीन मिंत्रा में सेल स्टार्ट होते ही रहता है, तो जब सेल स्टार्ट होते हैं तभी आप परचेस कीजिए, क्योंकि मैंने भी इसे सेल टाइम में ही लिया है एंड सेल टाइम में हमें जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल जाते हैं। सो यह भी मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिला है, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी कि किस प्राइस में मिला है। यह पसंद आ रहा हो तो प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर लीजिए। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ते की तरफ। सो ये मेरा नेक्स्ट कुर्ता ड्रेस है, ये मैक्सी ड्रेस नहीं है, कुर्ता ड्रेस है। सो यह भी वारंग ब्रांड से ही है एंड इसका भी प्राइस मेंशन नहीं किया हुआ है, एस साइज में इसे मैंने परचेस किया है। इसका जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा मटेरियल है, इसका मटेरियल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, कॉटन का तो है ही लेकिन यह थोड़ा अलग टाइप का कॉटन है, आई मीन सॉफ्ट कॉटन है यहाँ,
बहुत अच्छा है। इसमें जो नेक डिज़ाइन दिया गया है यह कॉलर नेक डिज़ाइन है जो बहुत ही अच्छा लगता है वियर करने पर। एंड यहाँ जो बटन्स दिए गए हैं ये ओपनेबल बटन है, ओपन होते हैं, जो बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन होता है। ओपन बटन, हम बटन ओपन्स करके, सारे बटन ओपन नहीं होते हैं, ओनली 3 बटन्स ओपन होती हैं, जो बहुत अच्छा है। कभी कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, हमारे नेक में नहीं घुस पाता है, यहाँ नेक में नहीं जा पाता है, बट ये बटन्स ओपन करके हम नेक में इजीली हम इसे वियर कर सकते हैं। इसमें भी हमें 3/4 स्लीव्स मिलती है। एंड ये जो वर्क किया गया है हैंड में, यह पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, एम्ब्रॉयडरी करके यह वर्क किया गया है। मुझे एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इनर में इस तरह से स्लीव्स में बॉर्डर लगी हुई है जो कि बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो काफ़ी पसंद आता है ऐसा वाला डिज़ाइन। सो इस तरह का है ये। एंड इसमें भी हेम साइड में पूरा फ्लेयर दिया गया है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से फ्लेयर दिया गया है। एंड बोथ साइड इसमें पॉकेट दिए गए हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड भी। इसका जो स्पेशली जो मुझे पसंद आया, इसका जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एंड चलिए अब मैं इसे वियर करके दिखाती हूँ कि वियर करने पर यह कैसा लगता है। एंड साथ में फ्रंट में यहाँ पे इस तरह से कटिंग भी दी गई है। सो चलिए वियर करके ही आपको पता चलेगा कि यह कैसा लुक क्रिएट करता है। सो चलिए वियर करके देखते हैं। सो गाइज, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम मैं इसे वियर करके नहीं दिखा रही हूँ आपको, मैं ओनली ऐसे क्लोजअप करके ही आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि क्या हुआ ना कि यह जो कुर्ती है मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ आ रही है। एंड इसे मैंने बेल्ट के साथ वियर करने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी उसके बेल्ट के साथ वियर करने पर भी यह बहुत अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। एंड इसमें जो मैं बोली थी कि यहाँ पे जो 3 बटन्स है ये ओपन होते हैं, तो नहीं, ओनली 1 बटन ओपन होता है, बाकी ये दोनों बटन ओपन नहीं होते। मैंने इसे वियर नहीं किया था, अभी वियर करने के लिए देखा तब मुझे समझ आया। एंड इसमें हेम साइज में ऐसा इस तरह का यहाँ पे चुन्नट दिया गया है जो कि बहुत अच्छा है। दोनों भी इसमें इस साइड में, राइट साइड में इसमें एक पॉकेट दिया गया है एंड लेफ्ट साइड में भी पॉकेट दिया गया है। आप देख सकते हो इस तरह से दोनों साइड पॉकेट दिया गया है। एंड यहाँ पे इस तरह से ओपनेबल पूरा फ्रंट ओपन ही है, बॉटम साइड से बस थोड़ा सा ही ओपन है। एंड इसका जो कुर्ती का कलर है यहाँ मस्टर्ड येलो कलर है। सो इस तरह की यह कुर्ती है। सो मैं इसे वियर नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं इसे थोड़ा फिटिंग का कर लूँगी तब आपको नेक्स्ट वीडियो में वियर करके ज़रूर दिखाऊँगी। सो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। सो गाइज, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों भी कुर्तों में से आपको कौन से कुर्ते अच्छे लगे आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड चलिए बढ़ते हैं थर्ड मैक्सी ड्रेस की ओर। एंड ये जो थर्ड मेरा मैक्सी ड्रेस है यह बहुत ही अच्छा है, गुलमोहर ब्रांड से है। एंड इसे मैंने मिंत्रा से परचेस नहीं किया है, आपने सुना होगा मीशो ऐप के बारे में जो कि एक रिसेलिंग ऐप है। मैंने उसी से, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बहुत बताया था कि बहुत अच्छा ऐप है। सो मैंने उसी से यह मंगवा कर देखा कि कैसा रिसीव होता है। सो 550 रुपीज़ में मुझे यह कुर्ती मिली है। एंड बहुत ही अच्छी कुर्ती है, यह गुलमोहर ब्रांड से है। इसका जो मटेरियल है कॉटन मटेरियल है। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा, कितनी अच्छी मैक्सी ड्रेस है यह, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। नेक में कुछ इस तरह से इसमें डिज़ाइन है। एंड इसमें भी 3/4 स्लीव्स दी गई है, स्लीव्स भी काफ़ी अच्छी है। इसकी फिटिंग जो है, मैंने इसे एस साइज़ में परचेस किया है, इसकी फिटिंग भी एकदम बेस्ट है, मुझे बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है। एंड सबसे अच्छा इसका जो है फ्लेयर है, आप देख सकते हो इतना सुपर फ्लेयर है इसका कि आपको कैमरे में शायद ना समझ आए, मैं इसे वियर करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका फ्लेयर कितना मस्त है। सो इसका जो फ्लेयर मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। समर के हिसाब से यह जो कलर हो जाता है एकदम डार्क कलर हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है समर में भी हम जब लाइट कलर पहन कर बोर हो जाते हैं तो हमें डार्क कलर अच्छे लगने लगते हैं। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे डार्क कलर भी एक लिया है। एंड इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी रिसीव हुई है, एज अ प्राइस ये मुझे बहुत अच्छा प्राइस भी मिला है। सो चलिए इसे भी मैं वियर करके दिखाती हूँ आपको कि यह वियर करने पर कैसा लगता है। इसमें से
से आपको कौन से कुर्ते अच्छे लगे, आई मीन कौन सा मैक्सी ड्रेस अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन तीनों में से अगर आप कोई भी परचेस करना चाहते हो तो प्रोडक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मैक्सी ड्रेस के कलेक्शन के साथ में, क्योंकि समर सीज़न है एंड समर सीज़न में मैं मैक्सिमम मैक्सी ड्रेस ही परचेस करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में मैक्सी ड्रेस ही शेयर करूँगी। अगर कोई सजेशन हो या फिर आप कोई और ड्रेस का रिव्यू चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर उसका रिव्यू करूँगी। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।